परम सौभाग्य। वैसे गुरुदेव सबले पहले मोर परिचय कराई, सब मंडली के परिचय कराई, और सबसे खुशी के बात यह है कि ये मोर जन्मभूमि है। जी हाँ, ये जन्मभूमि मोला सुगर अवसर मिली, पावन अवसर मिली, राम के कथा कहानी सुने के भी रखे जन्मी जननी जन्मभूमि स्वर्ग अति गरियसी कथे थे। ऐसे जन्मभूमि स्वर्ग से महान कथे थे जन्मभूमि। हां बोला, नमन करते हुए आवन गणेश जी के वंदना के साथ, वो भोलेनाथ के वंदना के साथ राम कथा में प्रवेश करबो। सबे हमर पर जम्मो चाचा है, गुरुदेव है, सब झल्ला नमन करते हुए, समस्त ग्रामवासी नमन करते हुए, जति बैठे हमारे माता मन सब नमन करती हो, वो गणेश जी के वंदना के साथ राम कथा में प्रवेश करबो। वाले बाबा तू राम कथा था दूसरा दिन ले ले, और सबसे पहले हमारे मंच रही, लेकिन भाई वाला कुछ दूर दूर जाना रही से वन पहली मंच पर सो हुई, ये हमारे सब सौभाग्य है। डमरू वाले बाबा तुझे आना होगा, डम डम पावन के आएंगे, पावन
बहुत ही खुशी के बात है कि आज आपके गांव में मानस कार्यक्रम होते हैं। वैसे परमादरणीय गुरुदेव जी मन बहुत अच्छा समय ले चुने हैं। काबर अच्छा समय ले चुने हैं, जेन समय भगवान राम जो है 500 साल से अपन त्रिपाल छाल त्रिपाल छाछा के निवास कर रहे थे अयोध्या नगरी में, तो वही भगवान राम जो है आज एक महल में मंदिर में विराजमान होए बर जा रहे हैं, जेकर कारण से पूरा हिंदुस्तान जो है भगवान राम के नाम की जय घोष करत है। और सरकार की भी कहना है कि आप सब 22 तारीख के भगवान रामचंद्र जी के नाम से एक दिन कम से कम अपन अपन काम धाम बंद रहे। वैसे तो सरकार हा सबला अयोध्या बुलाते, बाकी सब तो नहीं जा सकन। अयोध्या नहीं जा सकन कोई बात नहीं, नजदीक में जिन जगह भी राम के मंदिर हो ही वहां जाके भजन कीर्तन करो, एक दीपक जलाओ। वहां भी नहीं जा सको तो घर में भजन कीर्तन करो। 22 तारीख के सब जगह टेलीकास्ट के माध्यम से सब घर बैठे भगवान राम के दर्शन करिए। और आप मन के धन्य भाग जो तीन दिन तक आपके पावन ग्राम में भगवान की कथा सुनत बैठे हो। 22 तारीख ले ही कौन कहा है, आप सब पूरा 3 दिन और 3 दिन के बाद 4th दिन में भगवान राम अपने सिंहासन में बैठे बर जाही। वो दिन निश्चित रूप से आप सब दीपोत्सव मनाओ और भगवान के जयकारा करो। बोले राजा रामचंद्र की जय। अवन कथा प्रसंग में ले हमला अयोध्या कांड के अंतर्गत दोहा नंबर 171 सुनो। भारत भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि। कथा प्रसंग कौन जगह खरे, कथा प्रसंग हो हरे वो जगह के जिन जगह भगवान राम 14 साल के वनवास होते थे। और 14 साल के जब वनवास होते तो भरत जी महाराज ला बुलाए जाते, कहां से? ननिहाल से। ननिहाल से बुलाए जाते अयोध्या नगरी, और अयोध्या नगरी में बुला के भरत जी के माध्यम से उकर कर पिता जी के विधि वर क्रिया कर्म करते। और क्रिया कर्म करे के बाद में भरत जी ला अनेक प्रकार से समझाते गुरुदेव मनहा कि भरत तोला कुर्सी में बैठे लगे, भरत माने पर तैयार नहीं है। बाकी भरत ला समझाते कि भरत तुला सिंहासन में बैठे लगी, भरत ते राज गद्दी ला संभाल। मानस प्रेमी संत जन अभी जगह प्रश्न आते कि राम ला वनवास होइस तो होइस कैसे, एकर मुख्य कारण बताए जाते माता की। जेन भगवान राम ला 14 साल के वनवास गई, 14 में का कर थे, सामने में एक और पीछे में चार। 14 के मतलब होते एक तो भगवान रामचंद्र खुद हरे, जेन ला वनवास होइस माता कई कई जोन है एक ही जन ला वनवास दी, बाकी ओकर साथ ही 4 जन ला वनवास दी। ओ कौन हरे, माता सीता, भाई लक्ष्मण और भाई भरत साथ ही साथ उर्मिला, ये 4 जन ला वनवास थे जिन भगवान के भगवान राम के साथ ही साथ भगवान से कहीं ज्यादा वन की यात्रा सहे बर तैयार थे। चारों कथा बताबे तो लंबा हो जाए, काबर की सबकी कथा आप सब जानते हो। लक्ष्मण कौन प्रकार से साथ दीसी भगवान राम ला, सीता कौन प्रकार से साथ दीसी, और उर्मिला ला तो बताए जाते थे लक्ष्मण के धर्म पत्नी, वो 14 साल ले थारी में हाथ ला धरे धरे खड़े रही करते थे।
ईमानदारी से बताओ कौन कौन अपना पति पर 14 साल हाथ में थारी धर के खड़ गए। 14 साल कौन का है 14 घंटा भी नहीं धर सका। सही बात है कि गलत? तो भगवान राम के साथे साथ में 4 जन लौकर घर के वनवास हुई। एकर कारण से 1 और 4 14 साल। तो कई जन पूछी इसकी 14 साल का वनवास हुई कैसे? कई जन संत मन बताई कि 14 साल रावण के आयु बची रही थी। एकर कारण से माता कई कई है केवल 14 साल तक बोला वनवास दी थी, उपहार नहीं दी थी। काबर कई कई कौन है? कई कई एक ममता के मूर्त है। संत महंत मन के कहना है, विद्वान मन के कहना है, कई कई वो स्त्री है, वो माता है, जेकर सामने कौशल्या ने भी फेल बताए गए। माता कई कई जो ने भगवान राम से अतिक प्रेम करी, अतिक प्रेम करे कि ओकर हर इच्छा पूर्ति करे बर माता कई कई जो ने अपन जान दे बर तैयार रही। सबसे पहले एक एक छोटे से घटना बता दे कि जैन समय भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न छोटे रही तो चारों भाई जो ने एक खेल खेलत रही। आखिर टोपा बंधौला हम मन खेले हैं। अब के लड़का मन भुला गए, कम हो गए। काबर कम हो गए? मोबाइल की जमाना हो गए, टीवी की जमाना हो गए। जैन लड़का देखते मोबाइल में खेलत है, आखिर कमजोर करत है मोबाइल में खेलत है। तो आंखी बंद होला खेलत है, एक की आंखी में टोपा बंद है, बाकी छूना है। वही खेल खेलत खेलत एक समय ऐसे हुई कि तीनों भाई भाग गए। भगवान राम के आंखी की पट्टी बंद है, तीनों भाई भाग गए। अब जेला पहुंचा ही होगा, आंखी मूंदना है। तो माता कई कई सामने आ गए और तीनों भाई भाग गए। माता कई कई की आंख बंद करी भगवान राम। माता कई कई कहे, बेटा मैं तोर माँ, मोर आखिल छोड़। माता कई कई बहुत प्रकार से की, मोर आखिल छोड़। भगवान राम कहे, नहीं माता मैं आखिल तो नहीं छोड़ सको। काबर नहीं छोड़ा? काबर की ते मोला एक वचन दे, मैं जेन वचन कहूँ लते दे तब तो मैं तोर आखिल मुंदे हो तेल छोड़ हो की। भगवान राम हाँ जैसे ही माता कई कई जो है वचन दी, ठीक है बेटा मैं तोर कसम खात हूँ, मैं तुल वचन देत हूँ, जे कभी वो काम करे पर तैयार हो गई। भगवान राम की हिस की माता जेन समय मोला गद्दी में बिठाए बर जही, वो समय ते मोला 14 साल की वनवास दे दे। माता कई कई इनकार कर दी, नहीं बेटा हर काम कर सकतो मैं, हाँ बाकी ये काम नहीं कर सकूं। भगवान राम फिर कि माता तोला ये काम करना पड़ी। अंत में माता के स्वीकार करी, ठीक है बेटा तोर लिए मैं अपन जान हाजिर कर सकतो। भगवान राम फिर की देख माता ते मोर काम करे भी, बाकी तोर सुहाग भी उजड़ सकते, दुनिया में तो नाम पूरा बदनाम हो जही। और यहाँ तक कि कोई महतारी बाप अपन बेटी के नाम कई कई रखना पसंद नहीं करी। माता कई कई कही, ठीक है बेटा तो हर मोर जितना भी अपियस हो जाए, जितना भी निंदा हो जाए, हर चीज स्वीकार है, बाकी तोर बात नहीं हम माने बर तैयार। आज माता के कई जोन है अपन अपमान सही अपन सिंदूर पोछे पर भी तैयार हो गए। आज लोगन मन कई कई नाम नहीं रखे। एक घर सठी कार्यक्रम में गए रहे तो मैं कही पा रहे कई कई नाम रख दे थन कागा के गए। हमरे मन साथी मन कथे काबर रघु जी कई कई नाम नहीं रखे जाए, अब वाकई में सुने पर नहीं मिले। बाकी कई कई माता वो माता है बताएगी जिनला, हालांकि कोई कोई जगह अपमानित दृष्टि से व्याख्यान कर देते। बाकी कई कई से श्रेष्ठ कोई है नहीं है, काबर की कई कई अगर नहीं होती तो रामला 14 साल के वनवास नहीं मिलती। और रामला 14 साल के वनवास नहीं मिलती तो जिन संत महात्मा मन लाखों वर्ष तक हजारों वर्ष तक यही भगवान राम के आय की प्रतीक्षा में तप कर रहे थे, तीकर मन के साथ अन्याय हो जाती, सुमल भगवान के दर्शन नहीं मिलती।
माता सबरी अपन बचपना से लेके पूरा बुढ़ागे तब तक भगवान राम के रास्ता देखल बैठे रहे, उला भी भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। तो माता कैकेयी के कारण ही भगवान राम ला 14 साल के वनवास हुई, जेकर कारण से भगवान राम माता कैकेयी के पहली पूजा करे तब कहीं अपन मां मन की पूजा करे। अब भगवान राम के वनवास हो गए, इति भरत जी महाराज ननिहाल से आके भगवान अपन माता के अपन पिता के अपन पिता के अंत्येष्टि कार्यक्रम करी, ओकर बाद में राज सिंहासन में बैठाना है। तो भरत जी महाराज माने पर तैयार है, काबर की भगवान भरत जो है एक संत और संत जो है राजनीति ल पसंद नहीं करे, वो ही चाहते कि मोर भैया के रहते मैं गद्दी में नहीं बैठ सको। काबर गद्दी में नहीं बैठ सको, ये एक प्रकार से छीने हुए चीजें, अपन विचार से कहे जाते कि ये काय छीने हुए चीजें, मोर लिए जबरदस्ती मोर माता कही कही भगवान राम से उल छीने। कोई भी राज्य में देखबे तो उत्तराधिकारी कौन बनते, बड़े बेटा बनते। अब बड़े बेटा कौन हरे, भगवान राम। अब भगवान राम जो नहीं गद्दी में बैठे बार जात रही, गद्दी में बैठे बार जात रही, तेला उतार के कौन ला बिठार दी भाई भरत ला। तब भरत स्वीकार कर ही का, भरत स्वीकार करना नहीं चाहते। तो अनेक प्रकार से गुरुदेव मन समझाते कि सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ लाभ हान जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ। हे भरत इमें कोई दोष देना अच्छा बात नहीं है, काबर की ये सब विधि के हाथ है, मरना और जीना, लाभ और हानि, यस और अपयस, ये कोई की बनाए से नहीं बने, काबर की ये सब जो है विधि के हाथ में है, अर्थात भगवान के हाथ में है। हमन जरूर कथन गएगा 5 एकड़ खेत बोरे हुए सब के 40 बोरे 1 एकड़ मोरा 25 बोरा मरा बग का हुई सी जगह लाभ हुई है। तेला कोनो केंद्र सरकार बने इसका तोर में 25 बोरा हुई धान की नहीं बने इसे ना कि राज्य सरकार बने न ते खुद नहीं बना है, काबर ते चाहत रही 40 बोरा 1 एकड़ लूं की बाकी हुई इसका इतना है 25 बोरा 1 एकड़ काकर हाथ में, ऊपर वाला के हाथ में भिंडी बो रहे, भिंडी बो रहे दबाग भर गए, अच्छा इनकम पाले लाभ हो गए, काकर हाथ में विधि के हाथ में। अब अपियस मिली कौन ला, माता कैकेयी ला अपियस मिली, कैकेयी के हाथ में ऊपर वाला के हाथ में, जिन में की माता कैकेयी ला अपियस मिली। यही लगोसाई तुलसीदास जी महाराज की गुरुदेव मन भरत जी महाराज ने समझाते हुए कि लाभ हानि जीना मरना और अपयस और यस इस सब ऊपर वाला के हाथ में है, इकर लिए ज्यादा फिक्र करे की बात नहीं है, ना कोई लग दोष दे के बात नहीं है। तो आवन एक भजन के बाद पुनः चर्चा करबो। बोले श्यापति रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राम चंद्र ये भारत भुइया महान है, जेन भारत भुइया में गंगा गीता गायत्री जैसे महान विभूति मन के पदार्पण हो, राम कृष्ण गौतम गांधी जैसे महान वो परमात्मा के वो संत के दर्शन हो, ऐसे भारत भूमि को सत सत नमन हो। ये भारत के माटी मां, ये भारत के माटी मां, तिरंगावे हजार राम कृष्ण जी है जन्म भरी, ये भारत की माटी।
में कहे जाते आज भी अग्नि परीक्षा हो देखत रहे बाकी धीरे धीरे ताली बजाते रहे का कारण
अच्छा सुबह सुबह यहाँ भगवान राम के नाम के प्रभात फेरी हो थी कि नहीं हो थी, चला थी कि नहीं चला थी, नहीं चला थी, हमर गांव चल थे रोज ना 5 बजे उठ के राम नाम के जाप पूरा गली गली में, और माता बहनी मन घलो साथ में जाते, सब ताली बजा जाते। अब आप मन के सामने तो बिंजो बाजा पेटी तबला बाजा तबो हाथ नहीं बजा तो का बात, भगवान राम से प्रेम करते हो कि नहीं करो ये बताओ, भगवान राम ला का मानते हो, का मानते हो भगवान राम ला, माइक वाला भैया आप भगवान ला का मानते हो, राम लगा भगवान राम मानते हो, मैं भाषा मानता हूं भगवान राम ला भाषा मानते हो, ते हाथ उठाओ बस जी, दुए चार जन के भाषा है मोर भाषा है, काबर भगवान राम की माता कौशल्या जो नहीं छत्तीसगढ़ ले गई रही थी, और छत्तीसगढ़ यहाँ कौन है बहनी है बेटी, अब यहाँ ले भगवान राम कहाँ जन्म ले है अयोध्या में, काकर गर्भ से ले है कौशल्या के, तो भाई कौशल्या हमार बहनी है, तो भगवान राम भाचा हुई से नहीं तुम्हार मन की बहन बेटा है, हरे किनो है हरे भाई। अच्छा ये बता भाचक गांव का पर 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 भगवान राम के रिश्ते नीचे से जुड़े हैं, कर कारण से बताता है भाचक गांव का पर पर थन भाचे ओकरे से तन का पर थन भाचे के काबर भाई, भगवान कौन है हमर भाचे, और हमर भाचे कौन है भगवान, बात एक है ना, छत्तीसगढ़ के भाचा हरे भगवान राम, और भगवान राम जब भाचा है तो हमर भाचा के पांव एकरे से तन करथन कि भाचा में हम राम के स्वरूप देखथन, राम हमन भाचा करथन, इकर कारण ही उकर पांव पर, नहीं तो फिर छत्तीसगढ़ के बाहर जाकर देखो भाचा के पांव नहीं पर, हमर छत्तीसगढ़ में ही पर थे, काबर की भाचा राम है और राम भाचा है। मनस प्रेमी संत जन, पुनः निवेदन करना चाहूं कि 22 तारीख के आप सबके घर में जितने ज्यादा हो सके दीपक जलाना है, काम धाम बंद करना है, मोर तरफ से निवेदन है भाई, जे जे अपन भगवान के प्रेम करत हो, अवन कथा प्रसंग है भरत जी महाराज ला पुनः गुरुदेव मन बार बार समझाए के प्रयास करत रहे कि हे भरत ये सब विचार छोड़ दे, काबर की ला कोई ला दोष नहीं दे जा सके, काबर की मरण जीवन मरण और विवाह ये तीनों दुनिया के ताले से नहीं हो सके निटल सके, जैसे विवाह करे बर घर कई जन निकथेगा गएगा वो सगा छायरी से फलाना गांव के ऊपर साथ में विवाह बड़ी है जम जती सी ये कहां कहां पड़ गई ऊपर किस्मत में ही लिखा रही सो इसने आदमी कहीं मरना है गए का बेचारा आज नहीं जाओ कह रही धमतरी जा पारी साधा बीच में एक्सीडेंट होकर मर गए। संत मन की कहना है कि जीवन मरण और विवाह ये तीनों दुनिया के ताले से नहीं टले, जेकरे साथ विवाह होना है वही वही, जहाँ मरना है वही छोही, और जहाँ जन्म लेना है वही छोही। तो हे भरत एला कोई दोष दे के बात नहीं है, कोई दोष देना ही नहीं है, कोई के ऊपर क्रोध करना ही नहीं है, और मन ही मन विचार करके महाराज दशरथ के बारे में तो छोड़ी दी, काबर की अपन गति ल बना ली, अब ओकर गति कैसे बन गई। अच्छा एक बात हुआ थे कि जब जब महाराज दशरथ है जब भगवान की पिता है, भगवान राम के पिता कौन है महाराज दशरथ, अबे मरीज तब कहां गिस स्वर्ग लोग, अब गिद्धराज जटायु घलो मरी तो कहां गिस, सीधा सीधा भगवान के धाम गिस मोक्ष गति प्राप्त करी, और महाराज दशरथ ल मुक्ति नहीं मिली, काबर नहीं मिली, ये तो भगवान के पिता है ना, और वो कौन है गिद्ध है। मनस प्रेमी संत जन, भगवान राम के पिता महाराज दशरथ हरे, बाकी ला सीधा सीधा मोक्ष नहीं मिली, काबर की नीचा है, एकर कारण से नीचा है कि बेटा राम मैं हां अभी तोर
जेन राजगद्दी में बैठी भी ओला देखना चाहत है, तब कहां से देखबे? तो स्वर्ग लोक से देखो। अब स्वर्ग लोक में जिन देवराज इंद्र है वो अपन आधा सिंहासन ला छोड़ दे काकर पर महाराज दशरथ पर। ए पृथ्वी में ऐसी दो राजा है जिन ला महाराज अने देवराज इंद्र अपन आसन में बिठाए गए हैं। एक तो पहला राजा हरे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, और दूसरा हरे जनक जी महाराज। जैसे ही दशरथ जी महाराज जाए आधा सिंहासन ला छोड़ दे अपन बगल में बिठाए, तो महाराज दशरथ कि बेटा मैं मरहू तो जरूर, काबर काबर की श्रवण कुमार की माता पिता मुला श्राप दे है, इकर वाणी ला भी मीठे नहीं होना है और इकर वाणी मिथ्या नहीं करना है तो मुला मरना पड़े। अब मरहू तो स्वर्ग लोक में रही के मैं तो ये जो जीवन शैली है और तो राज्य गद्दी है इस सब ला देखना चाहता हूँ। एकर कारण से उस स्वर्ग लोक में अपन लिए स्थान मांगी और फिर आगे कथे की सोची विप्र जो वेद विहीना तज निज धर्म विषय ले लेना। सोच वो ब्राह्मण के करना चाहिए जेन हम वेद नहीं जाने। कह के मतलब का कि ब्राह्मण कुल में जन्म ले है जरूर और मांस मदरा के भक्षण करा था, गलत संगति में पढ़े है। ब्राह्मण के धर्म का है शास्त्र के ज्ञान करना, मंदिर की पूजा करना, ये सब धर्म छोड़ के वेद नहीं जाने, ग्रंथ नहीं जाने, तो ये प्रकार से होकर लिए विचार करना ये सार्थक है। सोच वो राजा वर्कर जेन राजा से प्रजा अतिक ज्यादा प्रेम करते अतिक ज्यादा प्रेम करते, बाकी वो राजा दोन है नीति धर्म लनी जाने, ज्ञान के बात लनी जाने, प्रजा लग कैसे चलाने हो लनी जाने, इकर बारे में विचार कर और ये तरफ जेन घटना घट के होकर बारे में मत। भरत जी महाराज ये भी बात ला मन में सोचे कि भगवान राम ला जब माता कई कई जोन है वरदान मांगी तो सबसे पहली वरदान का मांगी भैया पहला का भरत जी राजगद्दी का। भरत जी महाराज ला पहला राजगद्दी और दूसरा में का मिलना चाहिए राम ला वनवास। अब यही कर भरत जी महाराज के दिमाग बार बार घूमेल धरे कि भरत भगवान राम जो है सबके ज्ञाता है, सब ला जानने वाला है। अब ठीक है मोर माता मांगी दी वरदान, तो पहली वरदान का मांगी भरत जी राज्य गद्दी और दूसरा मांगी इसका राम ला वनवास। यही बात ला जब भरत जी महाराज जब भगवान राम कर गी तो राम कर जाके बोली कि भैया रघुकुल की रीति का है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ते वनवास का पर आए की माता पिता के आज्ञा के पालन करे। अच्छा तो माता पिता के आज्ञा पालन करे बराहा तो पहला वर में मांगी से माता है भरत ला राज्य गद्दी, ओकर बाद दूसरा वर में मांगी कि राम ला वनवास। तो पहला वरदान पूरा नहीं हुआ है, दूसरा वरदान ते कैसे पूरा करे? ये नीति की बात है कि पहला वरदान भरत ला गद्दी, पहली भरत ला गद्दी में बिठाना चाहिए, ओकर बाद ही ते आतेसना। भरत जी महाराज जो नहीं दूसरा वरदान ला पहली सार्थक करी, एकर कारण से काबर की भरत ला अगर राज्य गद्दी मिल जाए तो राजा की बात मानना जरूरी रहता है। पहली राजा अगर कोई नीति न्याय बनाए है दूसरा राजा खंडन कर सकते। राजनीतिक बात आही कर कारण से थोड़ा सा राजनीतिक चर्चा कर देता हूँ। एक उदाहरण पूर्व सरकार जो है अपन अलग अलग ढंग से जेन जेन नीति नियम बना रही है तो ओकर नीति नियम ला ये जेन सरकार बैठी थी वो सरकार है अपन हिसाब से जेन जेन बात ला काटना रिस काट दी अपन हिसाब से नीति नियम लागू कर दी। वैसे नहीं ढंग के अगर महाराज दशरथ जो है राम ला 14 साल के वनवास दे है तो भरत था जब राजा बनती थी तो राम ला 14 साल वनवास की जगह राजगद्दी में बिठा देती और अपन खुद राम
राम की जगह बन जाए पर तैयार है जतीस। एकर कारण से भगवान राम जो है अपन दूसरा वरदान ला पहली साबित करी। अब एक भजन के बाद पुनः चर्चा करबो। बोल सियापति रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राम के संकेत में अवधपुर में प्रभु राम लला विराजमान हुआ थे। जेकर खुशी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होना है हम सबला मालूम और आओ हनुमंत लाल जी ना मनान जे ना हनुमंत लाल जी है चौकीदार सेवक के रूप में विराजमान हमेशा रहते थे। ऐसे हनुमंत लाल जी महाराज जेकर आज्ञा बिना राम के दर्शन नहीं होते थे संत मन ऐसे वो हनुमंत लाल जी के सुघर भजन के साथ आप सबसे विदा ले वो सब जन से निवेदन कि ताली बजा के वो हनुमंत लाल जी ला मनावन वो राम लला ला मनावन अपन जीवन ला धन्य बनावन। बड़ा खुशी के बात है जिस प्रकार से सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए करवट की छाया ऐसे ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। पानी संसार गाथे तोर महिमा लगाथे जहान तोर महिमा लगावे जहान
क्या ही सुंदर सुखद घड़ी था।